हेलो दोस्तों, टेक किसान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकिफान और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा एमआई के पोको फोन के बारे में। आपको इस वीडियो में उसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, उसका कैमरा बताऊंगा और बहुत चीजें बताऊंगा। तो वीडियो अब हम शुरू करते हैं। जब भी लोग फोन लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसका कैमरा कैसा है। तो आपको रियल में मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा और आपको फ्रंट में मिल जाता है 20 मेगापिक्सल कैमरा। तो अब आते हैं हम इसकी स्क्रीन पर। आपको स्क्रीन का रेशियो मिलता है आपको 6:18 का और आपको इसमें रिजोल्यूशन मिलते हैं 1080p x 2160 पिक्सल। तो अब बात करते हैं हार्डवेयर की। तो उसमें आपको प्रोसेसर ऑक्टा कोर का मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का। आपको 6GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है जिसे आप मेमोरी कार्ड डाल के भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। आपको एंड्रॉइड में 8.1 मिलता है और आपको स्क्रीन टाइप मिलती है MIUI, इसकी अपनी ऑफिशियल थीम। तो अब बात करते हैं इसके सिम स्लॉट की। तो आपको सिम 1 में आप एक माइक्रो सिम डाल सकते हैं, सिम 2 में आप नैनो सिम डाल सकते हैं। इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जिसका परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोनों कंपनी की CEO ने कहा ये एक किलर फोन है, ये मार्केट में लॉन्च होंगे तो सारे फोन को किल कर देंगे। तो देखते हैं ये फोन कितनी जल्दी लॉन्च होते हैं, रियलमी 2 आगे जाता है या एमआई का पोको फोन। मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूं तो आपको रियलमी 2 ही बेस्ट है। ये आपको 6GB के रैम 128GB इंटरनल देता है 15000। रियलमी ने खुद ऐसा बोला है, वो अपने फोन की प्राइस 15000 से अंदर रखेंगे। एमआई के पोको फोन की मैंने करेंसी एक्सचेंज करके देखी यूरोप के एक करेंसी से, तो आपको एमआई का पोको फोन मिलेगा 36000। लेकिन आपको रियलमी में हेलोइ का P60 का प्रोसेसर मिलता है और आपको एमआई के पोको फोन में स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है। देखते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन ज्यादा आगे आता और देखते हैं मार्केट में दोनों की कितनी वैल्यू होती है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा और आपको ऐसे अपडेट करता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।